Everyone, in this video we are going to continue our previous topic, reasoning of the halogen and halogens. तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने की थी, उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चंस देख रहे थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उसमें जो मैक्सिमम आज दिन तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हम वो डिस्कस कर रहे थे. तो हमने क्वेश्चन जो था वो आपका डिस्कस किया था, हेलोरिन्स और हेलोल्केन का जो क्वेश्चन था, यानी डाइपर मोमेंट का हमने क्वेश्चन जो था वो डिस्कस किया था. क्लोरोबेंजीन का जो डाइपर मोमेंट है वो लोअर है देन दैट ऑफ द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, और अल्काइल हैलाइड पोलर नेचर के हैं, हाँ फिर भी वो इमिसिबल है विद वाटर. तो ये दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेलोरिन आर इनसॉल्युबल इन वाटर. राइट डाउन दिस क्वेश्चन, हेलोरिन्स आर इनसॉल्युबल, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन बेंजीन. वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं बट सोल्यूबल इन बेंजीन. बेंजीन में सोल्यूबल होते हैं हेलोरिन, लेकिन जो वाटर है उसके अंदर जो है वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं और बेंजीन के अंदर जो है ये सोल्यूबल होते हैं. तो इसको एक्सप्लेन करना है क्या रीज़न है इसमें. तो वाटर के अंदर देखिए H2 मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है वहाँ पे, जो कैसे हेल्ड बाय द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें कैसी बॉन्डिंग है आपके पास, उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है. ठीक है, कौन सा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है. तो डिस्पाइट द पोलैरिटी ऑफ द एराइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड कैन नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल. कि चाहे वो, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था सेम वैसे ही, चाहे वो पोलैरिटी है वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है विद वाटर मॉलिक्यूल वो नहीं बना पा रहा. इस वजह से क्या होता है कि न्यू बॉन्डिंग जो है इज पॉसिबल ऑन मिक्सिंग, नो. तो न्यू बॉन्डिंग जो है जब हम मिक्स करते हैं वहाँ पे पॉसिबल नहीं होती हैं, और एराइल हैलाइड जो है कैन नॉट ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, सिंपल सा अपने बेसिक जो है वो ध्यान में रखना है कि जब भी सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन आता है आपने कैसे उसको बॉन्डिंग के ऊपर करना है. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जैसे हम यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो लेके जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो यहाँ पे फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वाटर के अंदर जो है, अगर इस तरह से वाटर के साथ आपका है, तो आपने हाइड्रोजन बॉन्ड का कंसेप्ट इसमें जो है वो लिखना है. वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और हेलोरिन जो है वो वाटर के जो इसमें बॉन्ड होता है OH बॉन्ड को इसको तोड़ नहीं पाते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और इस बॉन्ड को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है इसमें उसको ब्रेक ही नहीं कर पाते हैं. ठीक है, जब ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो कैसे सोल्यूबल होंगे उसमें, और न्यू बॉन्ड जो है जब इसको तोड़ नहीं पाएंगे तो नए बॉन्ड कहाँ से बनेंगे. तो सो न्यू बॉन्डिंग इज नो न्यू बॉन्डिंग इज पॉसिबल ऑन मिक्सिंग. एराइल हैलाइड कैन नॉट ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए जो एराइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन बेंजीन. बेंजीन में अब सॉल्युबल क्यों है, क्योंकि बेंजीन क्या है, एक कोवेलेंट लिक्विड है, जस्ट लाइक दैट ऑफ द एराइल हैलाइड्स. मीन्स जैसे एराइल हैलाइड्स हैं वैसे ही आपका क्या है, जैसे आपके एराइल हैलाइड हैं उसी तरह के सेम ही नेचर के जो हैं आपके बेंजीन हैं. तो दोनों एक ही तरह की नेचर के हैं, दोनों सेम हैं ड्यू टू दिस जो है वो, देखिए जैसे कहते हैं ना कि लाइक डिसॉल्व लाइक. ठीक है, सेम चीज़ जो है वो अपने ही जैसे उसी में हम उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, सेम नेचर की है, सेम कंपाउंड एक जैसा है वो, तो उसमें वो डिसॉल्व हो जाती है. ठीक है, तो सिर्फ ये रीज़न है कि हेलोरिन जो है वाटर में इनसॉल्युबल इसलिए हैं क्योंकि वाटर के अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, और उस बॉन्ड को हेलोरिन जो है वो तोड़ नहीं पाते हैं, ब्रेक नहीं कर पाते. ड्यू टू दिस यहाँ पे न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है और वो उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं. ठीक है, और जो हेलो दूसरा बेंजीन है, बेंजीन के अंदर वो डिसॉल्व हो जाते हैं, रीज़न दैट है क्योंकि बेंजीन भी उसके जैसे ही सेम कंपाउंड है. तो लाइक डिसॉल्व लाइक जो है, सेम चीज़ जो है सेम में इसी तरह से डिसॉल्व हो जाती है. ड्यू टू दिस जो है वो एक कोवेलेंट लिक्विड है, जैसे एराइल हैलाइड एक कोवेलेंट लिक्विड है वैसे ही बेंजीन भी आपका एक कोवेलेंट लिक्विड है. तो ड्यू टू दिस उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं वो. ठीक है, अपने जैसे कंपाउंड में वो डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन वो वाटर के साथ नहीं हो पाएंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के कारण. वहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसको वो तोड़ नहीं पाते, ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं. तो ये रीजन है इसमें हेलोरिन्स जो है. ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट कि हेलोरिन एरिन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन बेंजीन. तो ये रीजन है इनसॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, जो पैरा, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जो पैरा डाइक्लोरो
बेंजीन है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हायर है। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कैसा है, वो हायर होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा, हायर है, लेकिन जो उनकी सॉल्युबिलिटी है एंड जो लोअर सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट हायर है और जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसी है, वो लोअर है। किससे? देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। जो ऑर्थो और मेटा आइसोमर होते हैं उनसे जो सॉल्युबिलिटी, देखें इनकी डिस्कस करें इसमें, तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो हायर होती है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की, ठीक है, देन दैट ऑफ द ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। अब इसमें क्या रीज़न है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हर रीजनिंग क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना अच्छे से कि पूछा क्या गया और वो चीज़ किसके अकॉर्डिंगली, किस बेसिक बेसिक क्या है उसका, किसके हिसाब से हमने उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट हायर है। अब सबसे पहले आपको पोजीशंस पता होनी चाहिए कि पैरा पोजीशन कौन सी है, मेटा कौन सी और ऑर्थो कौन सी है, क्लियर। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया, एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन सी पोजीशंस पैरा होती हैं और कौन कौन सी मेटा होती हैं। ये बेंजीन रिंग है, ये जो दो पोजीशंस हैं, ये वाली पोजीशंस आपकी कौन सी होती हैं, ये ऑर्थो पोजीशंस हैं, ठीक है। ये दो पोजीशंस आपकी कौन सी होती हैं, ये मेटा पोजीशन है, ठीक है, और ये पैरा पोजीशंस है, क्लियर। ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो पहले ऑर्थो आएगी, मेटा आएगी, पैरा आएगी, याद नहीं रहेगा तो याद रखना ओम पूरी, ठीक है, ओम पूरी, ऑर्थो मेटा पैरा, इसके सामने पैरा के सामने पैरा, ऑर्थो के सामने ऑर्थो, मेटा के सामने मेटा, ये तीन अपने आप हो जाएंगी, ये तीन ध्यान रखिए, क्लियर। तो ये ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशंस हैं आपकी। अब क्वेश्चन है आपका डाई पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, तो पहले ये आ गया आपके पास बेंजीन, अब पैरा पोजीशन पे जो है वो हमने क्या लगाना है, पैरा पे डाइक्लोरोबेंजीन बोला, डाइक्लोरो मींस टू क्लोरीन एटम होंगे, कहाँ पे बताएं, पैरा पोजीशंस पे, तो ये हो गया पैरा पोजीशन, टू क्लोरोबेंजीन हमने यहाँ पे ये बना दिया, बेंजीन के साथ टू क्लोरो लग गए, बन गया क्लोरोबेंजीन, कितने बोले, टू बोले, तो डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। कौन सी पोजीशन है, पैरा है, तो ये पैरा डाइक्लोरो हो गया, ठीक है। क्या नाम है इसका, पैरा, ऐसे लिखते हैं ये डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, ऐसा इसलिए बता रही हूँ मैं, इलेवेंथ में अगर नहीं ध्यान है इन चीज़ों का, पोजीशंस कौन सी है क्या है, तो इसलिए साथ साथ में जो है वो चीज़ें भी आपकी रिवाइज हो रही हैं, तो इनको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, देन नेक्स्ट है आपके पास हम मेटा की स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर देखिए, मेटा डाइक्लोरो और उसके साथ हमने कंपेरिजन करना है कि मेटा और ऑर्थो के साथ, तो मेटा पोजिशन कौन सी हुई आपकी, मेटा डाइक्लोरो बोला है, मेटा पे एक ये पोजीशन हुई आपकी मेटा, ठीक है, मेटा पोजीशन कौन सी हुई आपकी यहाँ पे, तो एक क्लोरीन आपकी क्या होगी, मेटा पोजीशन पे होगी, और एक क्लोरीन आपकी ये है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, एक पैरा पे होगा तो पैरा हो गया आपका ये डाइक्लोरो, मेटा पे लग गया तो मेटा डाइक्लोरो हो गया, बाकी दूसरी जहाँ मर्जी लगाओ, पर एक जो है वो पोजीशन जो मेंशन की है वहाँ पे ही होनी चाहिए। अगर पैरा पैरा दो जगह लिखा होता तो दोनों पैरा पे भी लगा सकते थे, मेटा मेटा दो दोनों पोजीशंस पे लिखा तो दोनों मेटा पे होती, तो इस तरह से एक ही हमें मेंशन किया तो हम एक एक पेज पे लगाएंगे, तो इसमें लिखिए। अब हमें कौन सी बची हमारी, ऑर्थो, ऑर्थो पोजीशन ये है, तो ऑर्थो पे आ गया यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं हमारी, ये ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये है ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, ये मेटा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, क्लियर। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हायर है, इसका जो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसी है, सॉल्युबिलिटी कैसी है इसकी, लोअर है, मेल्टिंग पॉइंट इसका कैसा है, हाई, और सॉल्युबिलिटी कैसी है इसकी, लो।
अब इसके बारे में हमने डिस्कस करना है कि क्या रीज़न है। तो देखिए जो पैरा आइसोमर है यहाँ पे हमें दिख रहा है ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये देखने से ही पता चल रहा है कि अगर मैं इसको टू पार्ट्स में यहाँ से देखिए डिवाइड करूँ तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ये इक्वल पार्ट में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ना, इक्वल जो है पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। इनको हम करेंगे तो नहीं होंगे, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे, देखने में ही लग रहे हैं ये अनसिमेट्रिकल लग रहे हैं और ये सिमेट्रिकल है, इसमें से मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। अगर मैं इसको इस सिमेट्रिकल फिगर को इसको मैं उठा के अगर किसी क्रिस्टल लैटिस में अगर इसे स्ट्रक्चर देखें तो पैरा आइसोमर जो है ये मोर सिमेट्रिकल फिट हो जाएगा, मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ड्यू टू दिस अपने क्रिस्टल लैटिस में प्रॉपरली फिट होगा ये, ठीक है। इधर उधर इसमें कोई अरेंजमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, अपने क्रिस्टल लैटिस में कैसे होगा प्रॉपरली फिट हो जाएगा। प्रॉपरली फिट है तो मीन्स स्ट्रॉन्गर होंगे इसमें जो इंट्रा क्रिस्टलाइन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो ज़्यादा होंगी। सॉलिड स्टेट का फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं पता है हमें, टाइटली पैक्ड होते हैं मॉलिक्यूल अपने क्रिस्टल लैटिस में, प्रॉपरली फिट होते हैं, पैक होते हैं। तो वैसे ही ये पैरा जो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, तो अपने क्रिस्टल लैटिस में कैसे होगा क्लोजली फिट होगा। ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन जो हैं इसमें, इंट्रा क्रिस्टलाइन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो एंड मेटा, जो है इनमें क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी और इसमें ज़्यादा होंगी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कि इसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, इसको मेल्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए, हमें इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका, हायर ही होगा ना। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू मेल्ट और डिजॉल्व द पैरा आइसोमर देन द कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्थो एंड मेटा, ओके। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज हायर एंड द सॉल्युबिलिटी इज लोअर देन द कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो घुलने में भी तो टाइम लगेगा, बॉन्ड टूटने में टाइम लगेगा, तो सोल्यूबल भी तो कम होंगे ये, ठीक है। तो ये रीज़न है कि मेल्टिंग पॉइंट इसका हायर है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट पर जाके ये मेल्ट होगा तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट हायर हो गया। सोल्यूबिलिटी कम बोली है, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो जब इनको तो टूटेंगे ही नहीं, ब्रेक करने में जब इसको टाइम लगेगा ब्रेक होने में, तो ऑब्वियसली सोल्यूबिलिटी भी इसकी कम ही होगी, लोअर होगी, ठीक है। तो ये रीज़न है इसमें कि बॉन्डिंग की वजह से, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग पॉइंट हायर है और सोल्यूबिलिटी इसकी लोअर है, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन हैं, देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्काइल ब्रोमाइड का वो क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड इज़ हायर देन अल्काइल क्लोराइड। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका ज़्यादा है, अल्काइल ब्रोमाइड का ज़्यादा है, ठीक है। जो अल्काइल ब्रोमाइड्स हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो ज़्यादा है किससे, देन अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड से, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, व्हाट इज़ द रीज़न। अब यहाँ पे देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे आपने एक्सप्लेन करना होता है, बॉइलिंग पॉइंट में जो है यहाँ पे आप ये देखेंगे जो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मीन्स वही चीज़ है कि बॉइलिंग पॉइंट उसी चीज़ का ज़्यादा होगा जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जिसके बॉन्ड टाइटली पैक्ड होंगे, ठीक है। जो टाइट होंगे, जिसके बॉन्ड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, वो क्या होगा जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी वही नहीं ना ब्रेक करेगा। और ये जो आपने बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट है वो जनरली किसके अकॉर्डिंगली, जो बेसिक रीज़न क्या है आपको नहीं पता है, क्वेश्चन में भी सिंपल दिया हुआ है आपको ये पता, आपको नहीं पता अल्काइल ब्रोमाइड क्या, आपको नहीं पता अल्काइल क्लोराइड्स क्या है, ठीक है। बट आपको इसका रीज़न पता है, बेसिक पता, आप वो लाइन दिखी कि कंसेप्ट इसके अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन होगा तो भी आपको जो है वो मार्क्स उसमें बेसिक के तो एटलीस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें अल्काइल, ये जो आपको बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट है वो किसके ऊपर आपने एक्सप्लेन करना होता है, हायर मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस, लिख लीजिए इसको, हायर मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल, हायर मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस, ठीक है। हायर मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस के अकॉर्डिंगली हम ये डिफाइन करते हैं इसको, बॉइलिंग पॉइंट को, और साइज के अकॉर्डिंगली, जितना साइज जो है वो एलिमेंट का, मेटल का बढ़ता जाएगा, लार्जर अगर साइज होगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होती जाएंगी, ठीक है।
और अगर कम होगा साइज तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, उतनी कम होती जाएगी। क्लियर? तो अब इसमें देखिए कि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगी, तो हमें इसके लिए क्या पता होना चाहिए, साइज़ का पता होना ज़रूरी है। अब साइज़ कैसे पता होगा, उसके लिए आपको एलिमेंट्स की, मेटल की नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स दिए हैं, इसलिए मैंने बोला था कि उनको आपको एटलीस्ट जो है वो कम से कम आप उनको 35-36 तक जो है वो लर्न कीजिए। ठीक है? तो इसलिए बार बार बोला जाता है कि मेटल्स को जो है वो एलिमेंट्स जो हैं 30-35 तक जो वो लर्न कीजिए, ताकि पता हो इनऑर्गेनिक में भी वो मैक्सिमम यूज़ वहाँ पे होंगे, तो ध्यान रखिए उनका। अब साइज़ यहाँ पे बोला है तो किसका बताया है साइज़, जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्काइल ब्रोमाइड का ज़्यादा है। और हमने क्या बोला है कि हायर मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस के अकॉर्डिंगली हमने एक्सप्लेन करना है, जितनी ज़्यादा साइज़ होगा उतना वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है, और उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब इसका मतलब इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि अल्काइल ब्रोमाइड में क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, अगर इसका हायर बता रहा है तो ऑब्वियसली इसका साइज़ क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है? क्योंकि जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको लास्ट ईयर भी जब आपने पढ़ी है तो उसमें हमने साइज़ का बताया है कि डाउनवर्ड जब हम ग्रुप में देखते हैं, सबसे पहले क्या आता है आपके पास, फ्लोरीन आता है, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, क्लोरीन आता है, देन ब्रोमीन आता है। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है, शेल जो है वो इंक्रीज़ करते जाते हैं, तो फ्लोरीन का साइज़ क्या होता है, सबसे छोटा, क्लोरीन का क्या हो जाता है, उससे बड़ा, देन ब्रोमीन का क्या हो जाता है, उससे भी बड़ा। तो डाउनवर्ड जैसे हम चलते जाते हैं, टॉप टू बॉटम हम जाते हैं, तो शेल इंक्रीज़ होते जाते हैं, साइज़ जो है वो बड़ा होता जाता है, ठीक है, एलिमेंट्स का, तो इनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। तो इट मीन अब किसके साथ, ब्रोमाइड और क्लोराइड है, तो क्लोराइड क्लोरीन पहले आ रहा है, ब्रोमाइड बाद में आ रहा है, तो साइज किसका बड़ा हुआ, ब्रोमीन का, ब्रोमीन का बड़ा हुआ ना, तो ब्रोमीन का साइज बड़ा है, तो जिसका साइज बड़ा होगा उसमें वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होती है, ठीक। तो ड्यू टू दिस बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हुआ, अल्काइल ब्रोमाइड का, ठीक है, तो अल्काइल ब्रोमाइड का जो आपके पास साइज है वो ज़्यादा है, और इसलिए वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा है, ड्यू टू दिस बॉइलिंग पॉइंट हायर है, और इसीलिए अल्काइल क्लोराइड जो है इसका साइज़ क्या हो गया, स्मॉल है, ठीक है, ये है सेकेंड नंबर पे, इसका साइज स्मॉल है, और ड्यू टू दिस वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वो भी क्या है, स्मॉल है। तो आपने ध्यान रखना है जो बॉइलिंग पॉइंट का कोई भी पूरी ऑर्गेनिक में क्वेश्चन आए वो किसके हिसाब से एक्सप्लेन करना है, आपने स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड लिखना है इसमें, आपने हायर मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और लार्जर साइज के ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और साइज जो है उसका जिसका लार्जर होगा वहाँ पर ज़्यादा होंगी और दूसरे में कम होगी। अगर वाटर से रिलेटेड है कि ये वाटर में डिजॉल्व है या नहीं है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट आपने लेके चलना है। क्लियर? तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है ड्यू टू दिस बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हायर होते हैं, ड्यू टू दिस सॉल्युबिलिटी लोअर होती है। अगर वाटर के साथ कहीं पे कंपैरिजन आ जाता है कि वाटर के अंदर डिजॉल्व कर रहा उसमें नहीं कर रहा, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रीज़न देना है कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है और वहाँ पे नहीं है। क्लियर? तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ यही बेसिक रीज़न है और शॉर्ट ही है, हर बार आपको पता है आते ही हैं क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन आएगा आपको, बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आता है, एसिडिटी पे फिक्स क्वेश्चन है, बेसिसिटी पे फिक्स्ड है क्वेश्चन, आते ही आते हैं। तो ये फोर क्वेश्चन जो है, फोर आपके कंसेप्ट्स हैं, चार चैप्टर हैं ऑर्गेनिक के, एसिडिटी पे, बेसिसिटी पे, आपके इसमें जो है ये एसिड पे, बेस पे, बॉइलिंग पॉइंट के, मेल्टिंग पॉइंट और रिएक्टिविटी पे क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट का। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, इसी तरह से जो अल्काइल हैलाइड्स हैं वो बेटर सॉल्वेंट है देन अराइल हैलाइड्स से, ठीक है, जो अल्काइल हैलाइड्स हैं, अब अल्काइल हैलाइड्स आपको पता है, जो अल्काइल हैलाइड्स हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, अल्काइल हैलाइड्स आर बेटर सॉल्वेंट, अल्काइल हैलाइड आपके कैसे सॉल्वेंट है, बेटर सॉल्वेंट है देन अराइल हैलाइड्स, देन अराइल हैलाइड्स, क्या रीज़न है बेटर सॉल्वेंट अराइल हैलाइड्स से। तो देखिए जो हेलोल्केन है, बड़े हैं हेलोल्केन, ये है हेलोल्केन, ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, हेलोल्केन भी बोलते हैं, पढ़ा है हमने, ठीक। तो इसमें जो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, पोलर होंगे, इसमें बॉन्ड ज़्यादा पोलर होंगे किससे, देन द हेलोरिन से, ठीक है, हेलोरिन में बॉन्ड जो है कम पोलर होते हैं क्योंकि वो डिस्पर्सल ऑफ चार्ज की वजह से, ठीक है। तो ड्यू टू द ग्रेटर पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, अब जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या होंगे, पोलर होंगे, उतना ज़्यादा वो सॉल्वेंट क्या होगा आपका, बेटर सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पे क्या है, पोलैरिटी ज़्यादा है और हेलोल्केन हेलोरिन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या है, पोलैरिटी ज़्यादा नहीं है। तो डिस्पाइट द पोलैरिटी,
लेसर पोलैरिटी, यहाँ पे क्या है पोलैरिटी कम होगी, यहाँ पे कुछ भी लगा लो चाहे ठीक है हेलोजन कोई भी है, तो यहाँ पे जो है हेलो अरीन के अंदर पोलैरिटी कम होती है, यहाँ पे पोलैरिटी ज़्यादा है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज देखिए, यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, पार्शल नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ये पार्शल पॉजिटिव चार्ज कर रहा है, ठीक है पोलैरिटी है यहाँ पे, तो यहाँ पे पोलैरिटी किस में ज़्यादा है, हेलो अल्केन में पोलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, ये बेटर सॉल्वेंट है आपके पास, मोर पोलर है ये देन हेलो अरीन से, तो ये रीज़न है इसमें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास देखिए उसमें, हेलो अल्केन यूज्ड एज द सॉल्वेंट इन द इंडस्ट्री आर क्लोरो कंपाउंड रेदर देन द ब्रोमो कंपाउंड, ठीक है तो ये क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बोला गया, कहता है जो हेलो अल्केन है वो यूज्ड करते हैं इंडस्ट्री के अंदर एज अ सॉल्वेंट आर क्लोरो कंपाउंड जो है उसके, ठीक है हेलो अल्केन यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन इंडस्ट्री आर क्लोरो कंपाउंड रेदर देन द ब्रोमो कंपाउंड, तो क्लोरो कंपाउंड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ब्रोमो कंपाउंड को नहीं, बट इज़ द रीज़न। अल्काइल क्लोराइड में क्या है आपके पास, ये CCl बॉन्ड जो है वो ज़्यादा पोलर है देन CBr बॉन्ड से, ठीक है क्यों है ऐसा, अल्काइल ब्रोमाइड में ये बॉन्ड जो है आपका ज़्यादा पोलर है, यहाँ पे लार्जर क्या है पोलैरिटी, ठीक है यहाँ पे क्या है पोलैरिटी लेस है, यहाँ पे कम पोलैरिटी है, लेस पोलर है ये, ठीक है ड्यू टू द ग्रेटर पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल अल्काइल क्लोराइड क्या है आपके, जो अल्काइल क्लोराइड है वो बेटर सॉल्वेंट है देन अल्काइल ब्रोमाइड से, अल्काइल ब्रोमाइड से बेटर सॉल्वेंट है अल्काइल क्लोराइड ड्यू टू द ग्रेटर पोलैरिटी। अब पोलैरिटी क्या है, ये लास्ट ईयर भी बहुत बार हमने डिस्कस किया है, पोलर मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ठीक है तो पोलैरिटी क्या चीज़ है, ये पोलैरिटी किसके ऊपर बेस्ड होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, किसके ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बेस्ड है ना, वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा पोलर होगा जिसमें जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, पावर ऑफ अट्रैक्टिंग द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इट सेल्फ, तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नेगेटिव है और ब्रोमीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मीन्स यहाँ पे पोलैरिटी ज़्यादा होगी, इस कंपाउंड में पोलैरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ड्यू टू दिस इट कैरी द पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एंड इट कैरी द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्या बोलते हैं इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो अपियर हो रहा है, कौन सा इफेक्ट है ये, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट, पढ़ा है लास्ट ईयर पढ़ा है 11th में, बेसिक कंसेप्ट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने किए थे उसमें, ये बहुत अच्छे से किया हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या चीज़ है तो ठीक है तो पोलैरिटी है यहाँ पे ज़्यादा पोलर है ये लेस पोलर है, ज़्यादा पोलैरिटी का रीज़न हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है आपके पास, पावर ऑफ अट्रैक्टिंग द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इट्स सेल्फ, ठीक है ड्यू टू दिस इट कैरी द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज एंड इट मेक्स अ मॉलिक्यूल पोलर, नॉन पोलर क्या होते हैं, ये नॉन पोलर है, बहुत बार डिस्कस किए हैं, ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है इसमें ड्यू टू दिस पोलर है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की कम है, यहाँ पे N2 के अंदर क्या है आपके पास, ये नॉन पोलर है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, क्लियर। तो इस तरह से कंसेप्ट्स जो हैं वो बेसिक कंसेप्ट्स आपको क्लियर रखने पड़ेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज क्रैम करेंगे रट्टा मारेंगे तो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन है, अब देखो जैसे पोलैरिटी का ये क्वेश्चन था, अभी ये किसके ऊपर बेस्ड था, पोलर मॉलिक्यूल की आपको पता होना चाहिए कि पोलर नॉन पोलर होते क्या हैं पहले, तो तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अब उसके पीछे पहले आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता होना चाहिए कौन से, उससे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पहले आपको एलिमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट उसमें आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, ठीक है कौन कौन से एलिमेंट इसमें आते हैं। तो इस तरह से एक एक कंसेप्ट जो है एक एक वर्ड केमिस्ट्री में क्वेश्चन अराइज करता है, तो बेसिक्स क्लियर रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे जब तक आप बेसिक आपके क्लियर नहीं होंगे, तो डीप स्टडी की ज़रूरत है, प्लीज़ पढ़िए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन, हम एक छोटा सा क्वेश्चन उसको अटैम्प्ट कर लेते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपके बस इतने ही क्वेश्चन ये जो है बनते हैं, आपका बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन हो गया, सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन जो है वो आ जाएंगे, ठीक है और सॉल्युबिलिटी हो गया आपका, ये दो ही क्वेश्चन है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी,
ठीक है, फिलहाल इतने ही क्वेश्चन जो है यही आएंगे, और ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं यही हैं। देन आपके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे। जैसे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, पहले ये कर लेते हैं क्या होता है, किसको बोलते हैं। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जहाँ पे टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल विद जिनके अंदर टू न्यूक्लियोफाइल फिलिक सेंटर होंगे उसको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल विद टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइनाइड है आपके पास, ये साइनाइड है। अब यहाँ पे ये जो साइनाइड है ये कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता है और नाइट्रोजन के साथ भी अटैच हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी अटैच जो है वो हो सकता है। क्लियर, तो ये अटैचमेंट यहाँ से, अब यहाँ से भी ये भी है इसका सेंटर एक, ये भी है। तो ऐसे कंपाउंड जहाँ पे टू आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मतलब इट एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल इन टू डिफरेंट वेज, लिंकिंग थ्रू द कार्बन एटम रिजल्टिंग द अल्काइल साइनाइड्स, एंड व्हेन इट लिंकिंग थ्रू द नाइट्रोजन एटम देन रिजल्टिंग आइसोसाइनाइड्स। क्लियर, तो ये क्या होते हैं आपके साइनाइड्स, और जब एन सी हो गया तो क्या बोलते हैं इनको, आइसोसाइनाइड्स। ठीक है, ये क्या है आपके पास, साइनाइड्स हैं ये, और आइसोसाइनाइड में एन सी आइसोसाइनाइड्स। क्लियर, तो जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स हैं क्या होते हैं, वो जिनकी टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, जिनमें टू न्यूक्लियोफाइल जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, अटैच हो सकता है, जहाँ पे टू डिफरेंट वे से वो एक्ट कर सकता है। तो लिंक वो कार्बन से भी कर सकता है यहाँ पे, जैसे मैं एग्जांपल लिए, और नाइट्रोजन के थ्रू भी, तो टू साइड्स हैं इनकी, दोनों साइड से वो लिंक कर सकता है। इसी तरह से नाइट्राइट आयन जो है वो देखिए, उसमें भी वो भी एक एम्बिडेंट है। तो नाइट्राइट आयन जो है वो भी जो है लिंक, अगर ऑक्सीजन एटम के थ्रू जो है वो लिंक करता है तो गिव्स अल्काइल नाइट्राइड देगा, और अगर नाइट्रोजन के थ्रू लिंकिंग होती है तो नाइट्रो अल्केन देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी जो है NO2 की एग्जांपल आपके पास है, तो ये भी आपके पास क्या है, नाइट्राइट आयन जो है ये भी दो तरह से लिंक कर सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी लिंक कर सकता है आपके पास, और ऑक्सीजन के थ्रू भी। क्लियर, तो ये आपके पास टू एग्जांपल्स हुई एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की। क्लियर, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, आज के लिए बस इतने ही। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो आपके दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रीजनिंग जो बचे हैं, कि अल्काइल हैलाइड जो है हाइड्रोलिसिस मोर इजीली हो जाते हैं वो अराइल हैलाइड से, तो उसमें भी जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था रेजोनेंस का इफेक्ट है और हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है, ऑर्थो पैरा का एक क्वेश्चन है, तो टू ही क्वेश्चन है कर ही लेते हैं। नहीं तो देखिए, व्हाई हेलोरिन इज़ लेस रिएक्टिव देन हेलोल्केन, जो हेलो अरीन्स हैं वो लेस रिएक्टिव क्यों है हेलोल्केन से। ठीक है, हेलो अरीन्स इज लेस रिएक्टिव, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, सिर्फ ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, एलेबोरेट करना है इसको टू पॉइंट्स में, जैसे पहले हमने किया रेजोनेंस इफेक्ट के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन किया, डबल बॉन्ड करेक्टर के हिसाब से इसमें हम करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली करेंगे। हेलोरिन्स इज लेस रिएक्टिव, हेलोरिन आपके लेस रिएक्टिव हैं किस से, हेलोअल्केन से, देन हेलो अल्केन। ठीक है, तो क्या रीज़न है देखिए इसमें, अब हेलोरिन क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं, तो रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि रिएक्ट करना दूसरे कंपाउंड के साथ, बॉन्ड बनाना, कैसे रिएक्ट करते हैं नहीं करते, क्यों नहीं करते, हेलोरिन को अब लेस रिएक्टिव बोल रहा है। तो रीज़न क्या, वही चीज़ आपकी कम रिएक्टिव होगी जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी वही नहीं ना रिएक्ट करेगी, उसी के बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो वो दूसरे के साथ रिएक्ट कैसे करेगा। जहाँ पे आपके बॉन्ड जो है वीक होंगे वही बॉन्ड टूटेंगे और दूसरे के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाए। अगर तो ये क्वेश्चन आए आपको 1 मार्क में, हेलोरिन इज लेस रिएक्टिव देन हेलोल्केन, 1 मार्क में लिखना तो सफिशियंट, आप इतना लिखे कि ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हेलोरिन जो है वो आपके क्या है, लेस रिएक्टिव है, और ये आपके जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है हेलोल्केन। लेकिन अगर ये आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, हमारे बोर्ड एग्जाम में हमें पता है HP बोर्ड में सारे क्वेश्चन आपको 1-1 मार्क के या 2-2 मार्क्स में आएंगे, 1-2 मार्क्स में, इससे ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो सारे बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, तो 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, तो उसको एक्सप्लेन करना है प्रॉपरली विद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो प्लीज़ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को समझिए कैसे बनाते हैं, नहीं आती हैं चाहे इसको याद करके जाइए, बट इसको करिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, समझिए कैसे बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, एक बार फिर से हम कर लेते हैं, मैंने कल भी करवाई आपको पिछले वीडियो में, तो आज फिर से देखिए इसमें। जो हाइड्रोलिसिस है अल्काइल और अराइल हैलाइड की, वो क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, ये जो हाइड्रोलिसिस होती है अल्काइल और इसमें अराइल हैलाइड की, कैसी सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। तो लेसर रिएक्टिविटी जो हेलोरिन्स की है, से मान लो आप क्लोरोबेंजीन हम ले लेते हैं हेलोरिन में, देन हेलोल्केन, जैसे क्लोरोमिथेन ले लिया,
ठीक है, एक क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, क्लोरोमीथेन ले लेते हैं, तो उसमें हम दोनों में कंपैरिजन देख रहे हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों में हो रही है, वो कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? तो देखिए, इसमें फर्स्ट जो आपने एक्सप्लेन करना है, एक तो आपने एक्सप्लेन करना है इसमें रेजोनेंस इफेक्ट, किस पे एक्सप्लेन करेंगे? फर्स्ट पॉइंट जो आपने इसमें एक्सप्लेन करना है रेजोनेंस इफेक्ट पे। अब एक है आपके पास, ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड्स हैं, ये हेलोल्केन्स हैं, और दूसरा आपके पास क्लोरोबेंजीन हम ले लेते हैं, ये हो गया हेलोरिन्स की एग्जांपल, क्लोरोबेंजीन, क्लियर। अब इन दोनों में हमने क्या बोल रहा है ये कि जो हेलोरिन है ये लेस रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, क्या रीज़न है? अब फर्स्ट हमने रीज़न इसका एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस इफेक्ट के हिसाब से हम इसको फर्स्ट पॉइंट हम इसका जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो पहली चीज़ ये कि जो हेलोरिन्स है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं, ठीक, रेजोनेंस स्टेबलाइज और हेलोल्केन में रेजोनेंस नहीं है। अब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है तो यहाँ पे हम रेजोनेंस देखते हैं, कैसे बनाएंगे इसकी रेजोनेंस, देखिए। तो ये है आपके पास क्लोरीन 2, 4, 6, तो ये वाला बॉन्ड आपका कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ, अब अगर ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो आगे दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, तो दो इकट्ठे हो नहीं सकते, अल्टरनेटिव पोजीशन में हमें शिफ्ट करने होते हैं, तो यहाँ पे ये अगले कॉर्नर पे इसको शिफ्ट करिए, क्लियर। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर आपकी। सेकेंड स्ट्रक्चर जो है वो आपकी कैसी रहेगी? सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर अब देखिए यहाँ पे ये सेम रहेगा, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये बॉन्ड हमने कहाँ शिफ्ट किया था? यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा आ गया? डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अगला डबल बॉन्ड हमने कॉर्नर पे शिफ्ट किया था, तो ये वाला जो है यहाँ से बॉन्ड आपने शिफ्ट करके कॉर्नर पे यहाँ पे ले आए, क्लियर। अब अगली जो स्ट्रक्चर बनेगी, ये वाला बॉन्ड आपने अगला जो खाली प्लेस है यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ पे करना है, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, और अगला फिर से दो इकट्ठे हो जाएंगे, तो इसको अगले कॉर्नर पे लेके चले जाइए, क्योंकि दो बॉन्ड इकट्ठे जो हैं वो आपने नहीं शो करने हैं, अल्टरनेटिव पोजीशंस पे होते हैं वो हमें पता है, तो उसको मेंटेन रखना है आपने। तो यहाँ पे, सॉरी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखिए बॉन्ड कैसे, अब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया और ये वाला अगले कॉर्नर पे चला गया, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर में अब ये वाला बॉन्ड जो है आपका यहाँ आ जाएगा और ये वाला फिर से अगले कॉर्नर पे चला जाएगा, क्लियर। एंड नेक्स्ट पे ये तो यहाँ ही रह जाएगा, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया तो ये यहाँ आ गया, अब ये वाला बॉन्ड अगले कॉर्नर पे चला गया, क्लियर, ऐसे। और यहाँ पे ये बॉन्ड अब इस सिंगल बॉन्ड है यहाँ चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड अगेन आगे आपका चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो बॉन्ड ध्यान रखना है, बस इकट्ठे नहीं रखने हैं, ठीक है, उसको शिफ्ट करते जाना है आपने आगे से आगे। तो लास्ट में फिर से आपके पास जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी? जो ऐसे पहले थे वैसी अल्टरनेटिव पोजीशन में आपके पास जो है वो सारे बॉन्ड जो हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ आया, ये बॉन्ड यहाँ ही था, और ये वाला शिफ्ट करके आप यहाँ ले आए तो ये यहाँ लगा दीजिए, और ये बॉन्ड अगेन आपने ऊपर शिफ्ट कर दिया हमने, तो हमारे पास ये फिर से स्ट्रक्चर क्लोरोबेंजीन की वैसी आ गई जैसे हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्लियर। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं क्लोरोबेंजीन की। अब देखिए ये क्लोरोबेंजीन की जो स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है। तो ये क्लोरोबेंजीन के अंदर जो है, हेलोरिन्स के अंदर जो है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, ठीक। एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस इन स्ट्रक्चर, अगर हम टू देखें, टू टू फोर तक यहाँ पे देखें, सेकेंड स्ट्रक्चर है, थर्ड स्ट्रक्चर है, फोर्थ स्ट्रक्चर है, पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन है ना, तो इसलिए ये जो है जो पॉइंट्स है, कॉर्नर है, कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, पता है ना ये, तो इसमें जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में ये बॉन्ड है, यहाँ पे सम डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, यहाँ देखिए क्या सिंगल बॉन्ड है, यहाँ क्या है सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या आ रहा है डबल बॉन्ड आ रहा है आपके पास, ठीक है, डबल बॉन्ड आ रहे हैं, ये देखिए ये डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल, तो आपने क्या लिखना है कि यहाँ पे एक तो क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से क्लोरोबेंजीन के अंदर जो CCl बॉन्ड है वहाँ पे स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4,
स्ट्रक्चर 2-3-4 के अंदर डबल बॉन्ड करैक्टर जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड नो सच रेजोनेंस अकर इन द अल्काइल हैलाइड्स, इस तरह से इसमें कहीं पे डबल बॉन्ड करैक्टर आपको शो होगा, यहाँ पे कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको बनेगी? नो, यहाँ पे कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड करैक्टर ऐसा नहीं है। तो सी सी एल बॉन्ड इन अराइल हैलाइड इज स्ट्रोंगर, सी सी एल बॉन्ड जो है वो अराइल हैलाइड के अंदर ये जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द सिंगल बॉन्ड, तो सी सी एल बॉन्ड इन अराइल हैलाइड इज स्ट्रॉन्गर देन द कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन हेलोलकेन, हैंस इट कैन नॉट बी इजिली ब्रोकन, ओके, हैंस इट इज कैन नॉट बी इजिली ब्रोकन। सो क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव, दिस इज द रीजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड इट इज लेस रिएक्टिव। शॉर्ट में लिखती हूँ, कि वैसे मत लिख लिया करो, कंप्लीट करा करो आप लोग लाइन की, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड इट इज लेस रिएक्टिव। ये क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं हेलोरिन्स जो हैं, तो ये हमें डबल बॉन्ड करैक्टर यहाँ पे दिख गया, क्लियर। तो ये था इसका ये रीज़न। और यहाँ पे क्लोरो जो हेलोलकेन है यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड करैक्टर नहीं है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये रीज़न है। वन मार्क में आए तो जस्ट आप इतना लिख सकते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर इट इज़ अ लेस रिएक्टिव। टू मार्क्स में आए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, एक्सप्लेन करिए, पहला पॉइंट ये दीजिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट भी आप इसमें और किसके अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक तो हो गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जी इसलिए ये लेस रिएक्टिव, सेकेंड आप हाइब्रिडाइजेशन का पॉइंट जो है वो लिख के चलिए इसमें, कि हाइब्रिडाइजेशन इसमें हम देखते हैं कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली भी हम इसकी रिएक्टिविटी देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन वेयरिंग द हेलोजन एटम, जो हेलोअल्केन है उसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन किसकी देखनी है आपने? कार्बन एटम की। कौन सी कार्बन एटम? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन बियरिंग द हेलोजन एटम, जिस पे हेलोजन एटम लगी हुई है, अटैच्ड है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, क्लियर। तो इन हेलोअल्केन जो कार्बन एटम अटैच्ड टू द हेलोजन एटम, हेलोजन के साथ जो हेलोअल्केन में कार्बन एटम है ये है हेलोअल्केन, इसमें जो कार्बन एटम है ये कार्बन एटम आपकी कौन सी होगी? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। लेकिन इन हेलोअरीन के अंदर जो कार्बन एटम होती है वो कौन सी होती है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हेलोअरीन्स में जो कार्बन एटम है जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड है वो कौन सी है? वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और हेलोअल्केन में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हमें पता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज स्लाइटली स्मॉलर, sp2 है यहाँ पे, sp3 है, ऑर्बिटल किसका बड़ा हुआ? 3 1 4, यहाँ पे कितने हैं? 3, तो ऑर्बिटल किसका बड़ा हुआ? यहाँ पे s करैक्टर जो है किसका ज़्यादा है? यहाँ पे पी करैक्टर ज़्यादा है, यहाँ पे पी कम है, यहाँ पे एस करैक्टर जो है हेलोअरीन्स में क्या है उसकी परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे पी की ज़्यादा है। तो यहाँ पे हेलोअरीन में क्या है आपके पास? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है आपके पास, ठीक है। और ऑर्बिटल जो है sp2 का वो क्या है? स्मॉलर है, स्मॉलर ऑर्बिटल किसका है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उसका ऑर्बिटल स्मॉलर है देन द sp3 से। sp3 का जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा है, sp2 का साइज़ जो है वो छोटा है, वो हमें दिख रहा है। देयरफोर इसलिए क्या है, जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन हेलोरिन क्या होंगे, हेलोरिन के अंदर कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड कैसे होंगे? शॉर्टर होंगे, यहाँ पे कार्बन और हेलोजन में जो बॉन्ड होंगे वो कैसे होंगे? यहाँ पे वो स्मॉलर बॉन्ड होंगे, शॉर्टर बॉन्ड होंगे, ऑर्बिटल भी शॉर्ट है इसमें, तो वो जो आपके पास यहाँ पे बॉन्ड होंगे कार्बन और हेलोजन में वो भी शॉर्ट होंगे, शॉर्ट हैं तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर भी होंगे, शॉर्टर हैं और स्ट्रॉन्गर भी हैं, ठीक है, देन द कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन द हेलोअल्केन। तो दिस इज आल्सो द रीज़न ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअरीन्स एज कम्पेयर टू द हेलोअल्केन, क्लियर। तो ये भी एक रीज़न है इसमें हेलोअल्केन और हेलोरिन की रिएक्टिविटी का, क्लियर है। टू पॉइंट्स हमने इसमें डिस्कस किए, एक तो इसका रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो, और दूसरा आपके पास हो गया इसमें हाइब्रिडाइजेशन का। हेलोअल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और हेलोअल्केन जो है उसमें sp3 होती है, और हेलोरिन में sp2 होती है। इसका साइज़ जो है ऑर्बिटल का छोटा है, इसका साइज़ जो है वो बड़ा है, इसमें स्मॉलर है, इसमें लार्जर है। स्मॉलर है तो बॉन्ड जो है CCl बॉन्ड जो है वो भी क्या होगा? शॉर्ट होगा, शॉर्ट होगा तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग भी होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो वो कम रिएक्टिव होगा, ठीक है। और ये बड़ा होगा इसमें ऑर्बिटल तो बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ जो है ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली रिएक्ट भी जल्दी टूटेगा और जल्दी रिएक्ट करेगा, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है और वो कम रिएक्ट करेगा। तो ये आपका इसमें रीज़न रहेगा।
अच्छे से ड्रॉ करिए इन स्ट्रक्चर्स को, साथ साथ प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए और वीडियो जब बोल रही होती हूँ तो इन पॉइंट्स को नोट कीजिए, साथ साथ में बनाइए इनको, चीज़ों को देखिए, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है ऑर्गेनिक को इस तरह से पढ़ने का। बाकी थ्योरेटिकल चैप्टर हैं, हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक पढ़ेंगे समझ आ जाएंगे तो, लेकिन इसमें बाद में पछताएंगे आप, ठीक है, तो अभी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाई आर हेलोरीन आर मोर स्टेबल देन हेलोल्केन, जो हेलोअरीन्स हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, जो हेलोअरीन्स हैं वो मोर स्टेबल हैं, हेलोअरीन्स आर मोर स्टेबल देन हेलोअल्केन, देन हेलोअल्केन, ठीक है, एंड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। जो हेलोअरीन्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं हेलोअल्केन से, और उनमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एंड अंडरगो, लिख लो इस क्वेश्चन को, एंड अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट ऑर्थो एंड, राइटिंग देख लीजिए जगह, थोड़ा फ्री हैंड लिखती हूँ, एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ठीक है। तो इसमें जो है हेलोरीन को बोला गया कि ज़्यादा स्टेबल है हेलोअल्केन से, एंड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे होती है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे होती है। तो क्या रीज़न है कि ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होती है हेलोरीन्स में, तो देखते हैं। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए हेलोरीन इसमें ऑर्गेनिक में ऑर्थो और पैरा पोजिशन के ऊपर की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, तो आपने सिर्फ एक ही आंसर इसमें देना है। क्या लिखेंगे इसमें, इसमें भी चलो एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं इसको शॉर्ट में बताती हूँ कि क्या रीज़न लिखेंगे इसमें। तो इसमें आपने क्या देखना है कि ये बोल रहा है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर ही यहाँ पे जैसे हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्लोरोबेंजीन की एग्जांपल ले लेते हैं, हेलोरीन्स जो हैं वो स्टेबल हैं, तो पहले आपने बोलना है क्योंकि उसमें रेजोनेंस जो है हेलोरीन इज़ रेजोनेंस हाइब्रिड है, कितनी स्ट्रक्चर्स का है, जो क्लोरोबेंजीन में मैंने पहले अभी आपको स्ट्रक्चर्स बनाई हैं वो अगेन स्ट्रक्चर्स आप बनाएंगे, तो उसमें आपने ये देख बताना है। फिर उसके बाद आपने लिखना है कि जो रेजोनेंस है क्लोरोबेंजीन की, जो स्ट्रक्चर्स हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ की हैं, इस क्वेश्चन में भी सेम आपने क्वेश्चन जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। और फिर ड्रॉ करने के बाद आपने नीचे क्या लिखना है, लिखना है उसमें लिखिए कि रेजोनेंस लीड्स टू लोअर ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये रेजोनेंस एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, ये रेजोनेंस लीड्स टू लोअरिंग ऑफ, रेजोनेंस लीड्स टू लोअरिंग ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एंड हैंस ग्रेटर स्टेबिलिटी, एंड हैंस ग्रेटर स्टेबिलिटी, जो इसमें रेजोनेंस एनर्जी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लोअरिंग हो जाती है, लोअर हो जाती है एनर्जी, और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, हायर हो जाती है। लेकिन अगर हेलो अल्केन में देखें, क्लोरोमीथेन की एग्जांपल लेते हैं, हेलो अल्केन में देखें तो ऐसी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो हेलो अरीन्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं हेलो अल्केन से, ठीक है, जो हेलो अरीन्स हैं वो क्या हैं, वो ज़्यादा स्टेबल हैं हेलो जो है अल्केन से, और हेलोजन जो है वो डायरेक्टली अटैच करती हैं बेंजीन रिंग में, कहाँ पे अटैच करती हैं, डायरेक्टली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्थो और पैरा पोजिशन होती है, ऑर्थो पे और पैरा पे, ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या रीज़न लिखना है आपने इसमें, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये एक बेसिक रीज़न है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह से क्वेश्चन अगर आते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इज ग्रेटर, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न, तो आपने ये भी इसमें लिखना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर वन मार्क में आता है तब तो आपने लिखना है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ठीक है, बस इतना लिखिए, इसमें वन मार्क आपको फुल मिलेगा,
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, बस इतना लिखना है। अगर 2 मार्क्स में आता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपने लिखना है कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो एनर्जी को क्या कर देती हैं, लोअर कर देती हैं, जिससे उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। हैंस इसलिए हैलोजन डायरेक्टली जो है एक तो अटैच होती हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इन रेजोनेटिंग। ठीक है, रेजोनेंस जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ कर रहे होते हैं तो आपने वहाँ पर देखा ही है, तो रेजोनेंस में क्या हो जाता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन की हो जाती है आपकी, वो ज़्यादा हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है। तो स्ट्रक्चर जैसे उसमें क्लोरोबेंजीन में हमने बनाई, वहाँ पे स्ट्रक्चर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आपने देखी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लीड्स टू द प्रेफरेंशियल अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल ऑन दीज पोजीशन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो है आपने जो क्लोरोबेंजीन की वहाँ पे अगेन जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में बनाई है सेम वैसे ही आप बनाएंगे, तो आप वहाँ देखेंगे नेगेटिव चार्ज आपका कौन कौन सी पोजीशन पर आ रहा था। आपका नेगेटिव चार्ज कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पे जो है वो इसमें आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो वहाँ पे शो हो रहा, तो इट मीन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, बना ही लीजिए, पता नहीं आप बनाएंगे कि नहीं, तो साथ साथ बनाइए। देखिए ये क्लोरोबेंजीन है, तो इस तरह से ये बॉन्ड आपका यहाँ आ गया, ये बॉन्ड आ गया, देखिए नेगेटिव चार्ज कैसे ऑर्थो और पैरा पे आता है। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए ये, अब ये बॉन्ड दो यहाँ ही रहेंगे, ये वाला आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया तो ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये बॉन्ड अब आगे चला जाएगा, ये बॉन्ड आपका इस कॉर्नर पे चला जाएगा। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास बनेगी वो आपके पास यहाँ पे, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ही रहेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ और ये एज इट इज ही रहेगा। अब इस बॉन्ड को आपने आगे यहाँ शिफ्ट करना है और ये वाला अगले कॉर्नर पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखो ऑर्थो पोजीशन पे, फिर आपका ये पैरा पोजीशन पे नेगेटिव है, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव है, देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये देखिए अब यहाँ से ये बॉन्ड आपका यहाँ आ गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फिर से यहाँ आ गया। क्लियर, दिख रहा है सबको, ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हो गया और ये बॉन्ड अगेन आपका यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड अगेन यहाँ आ जाएगा और आपके पास ये स्ट्रक्चर अगेन फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर आपकी सेकंड है, ये स्ट्रक्चर आपकी थर्ड है, ये फोर्थ है, यहाँ पे आपके पास ऑर्थो पे, यहाँ पैरा पे, फिर ऑर्थो पे। तो स्ट्रक्चर 2, 3 एंड 4 में आपने बोलना है कि नेगेटिव चार्ज कहाँ पे शो हो रहा है, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑलवेज अंडरगोज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ठीक है, दिस इज द रीज़न, और ड्यू टू दिस इट लोअरिंग द जो है जो हैलोरिन्स है वो इसलिए स्टेबल हैं, इसमें जो रेजोनेटिंग एनर्जी है वो क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है, कम हो जाती है, ड्यू टू दिस इट शो द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रही हैं और यहाँ पे बना के आपने इस तरह से दिखाना है ये चार्ज आपको कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे ज़्यादा है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोफाइल यहीं पे अटैक करता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही, कल हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक करेंगे। इसमें आपके पास नेमिंग रिएक्शन हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं, अब रीजनिंग भी जो है इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो हो चुके हैं, कल हमने करना है आपका जो बेसिक कुछ कंसेप्ट हैं आपके, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, डेक्सो रोटेटरी क्या है, लीवो रोटेटरी क्या है, तो इस तरह से वो बेसिक टर्मिनोलॉजी हम इसमें करेंगे। तो रेसमिक मिक्सचर क्या है, रेसमाइजेशन क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी सी टर्म्स हैं जो एग्ज़ाम में ये 1-1 मार्क में आती हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।